हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 8, ये है अपना ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, और इस चैप्टर के पहले के जो भी चैप्टर हैं उसका वीडियो लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर आप स्क्रीन को टैप कीजिए, आपको स्क्रीन पे राइट साइड कॉर्नर पे आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन को क्लिक कीजिए, यहाँ से भी आप वीडियो लिंक पर पहुँच सकते हैं। चलिए तो हम लोग अभी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे क्या कुछ कहा गया है। तो देखिए यहाँ पर कहता है, यू नो दैट ऑर्गेनिज्म, है ना, ऑर्गेनिज्म नीड फूड वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी को जीवित रहने के लिए, सर्वाइवल का मतलब क्या हुआ ना, जीवित रहना, अपने आप को यहाँ पे अर्थ पे बनाए रखना। तो सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए, वाटर चाहिए एंड ऑक्सीजन चाहिए, इसके बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रह सकता, ये हम जानते हैं। ओके, आगे बात करेंगे, दीज सब्सटांसेस आर ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये जो सब्सटांसेस हैं ना, ये हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में ट्रांसपोर्ट होते हैं। ट्रांसपोर्टेड मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना। ओके, ये समझ गए, वेरियस पार्ट्स अलग अलग पार्ट्स में। कहता है, द वेस्ट दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्गेनिज्म आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वेस्ट प्रोडक्ट मतलब वैसा मटेरियल जो हमारे बॉडी में अवशेष के रूप में बनते हैं, जिसका हमारे बॉडी में कोई काम नहीं होता है। ओके, वो हमारा कहलाता है वेस्ट प्रोडक्ट। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है ना, वो भी रिमूव्ड हो जाता है, रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से रिमूव्ड हो जाना मतलब बॉडी से बाहर निकाल दिया जाना। ओके, दीज वेस्ट आर ट्रांसपोर्टेड एंड कलेक्टेड इन एन एरिया फ्रॉम वेयर दे आर रिमूव्ड। ओके, देखिए ये जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं ये एक एरिया में कलेक्ट हो जाते हैं और फिर उस एरिया से टाइम टू टाइम वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। जैसे हम बात करें यूरिन की, ओके, हम लोग जानते हैं ना यूरिन है ना अपना एक वेस्ट प्रोडक्ट है। तो ये यूरिन कहाँ पे कलेक्ट होता है, यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता है, हम लोग जानते हैं, और फिर वो टाइम टू टाइम बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि यह एक हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इन एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। देखिए ट्रांसपोर्टेशन का हमको यहाँ पे क्लियर डेफिनेशन मिल जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है। तो ये एक प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है, मूवमेंट होना, किसका, तो सब्सटेंसेस का, कहाँ, तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, है ना, इन एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर सब्सटेंसेस का एक जगह से दूसरे जगह मूव होना ही क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। क्लियर, ये हम समझ गए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे कहता है इन यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, अगर हम यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे प्रश्न है कि यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज्म हम लोग कहेंगे किसको, वैसे ऑर्गेनिज्म ना जिसके बॉडी में केवल एक ही सेल हो, यानी सिंगल सेल से बना हो, उसको हम कहते हैं यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे अमीबा ले सकते हैं। तो ये जो अमीबा है ना, ये क्या है, यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके बॉडी में केवल एक ही सेल पाया जाता है, बहुत छोटा होता है, सूक्ष्म जीव होता है। ओके, तो अगर हम यूनि सेलुलर की बात करें तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ये हम बात करते हैं। देखिए कहता है ट्रांसपोर्टेशन इज ईजी, उसमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, बहुत ही आसानी से हो जाता है। और वो जो प्रोसेस हैं, देखिए हियर सिंपल प्रोसेसेस लाइक डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो इसके बॉडी में जितने भी सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होना होता है वो केवल दो ही प्रोसेस से हो जाता है, ये है अपना डिफ्यूजन और ये है अपना ऑस्मोसिस। ओके, अब प्रश्न है कि डिफ्यूजन क्या होता है, ओके, ऑस्मोसिस क्या होता है, है ना, ये सर क्या है बता दीजिए। तो देखिए अभी है ना इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। डिफ्यूजन का मतलब हो जाता है मिक्स हो जाना, क्या हो जाना, मिक्स हो जाना। ओके, जैसे मान लीजिए कि हम दो सब्सटेंसेस को लेते हैं, ओके, जैसे हम ले लेते हैं गैस को ले लेते हैं, चलिए ऑक्सीजन गैस को ले लेते हैं O2 और नाइट्रोजन गैस को ले लेते हैं N2। तो अगर हम इसको मिक्स कर देते हैं तो अभी ये दोनों आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। इसी तरह से आप लिक्विड की भी बात कर सकते हैं, है ना, लिक्विड्स में मान लीजिए कि आपने ले लिया वाटर, है ना, और ले लिया मिल्क, ओके, आपने इसको मिला दिया तो वो मिक्स हो जाते हैं।
तो डिफ्यूजन जो वर्ड है ना, ये आप समझ गया, ये कि मिक्सिंग हो जाना, दो सब्सटेंसेस का आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। वहीं पे ऑस्मोसिस की बात करें तो ऑस्मोसिस क्या है, तो आप देखिए, आप ड्राई फ्रूट्स को जो ज़रूर देखे होंगे, ओके, ड्राई फ्रूट्स को आप देखे हैं, ड्राई फ्रूट्स को आप क्या कीजिए ना, वाटर में डाल दीजिए। कहाँ पर आप डाल दीजिए, वाटर में। तो आप क्या ध्यान देंगे कि ड्राई फ्रूट्स का जो साइज़ है वो क्या होता है ना, इंक्रीज हो जाता है, उसका साइज़ बड़ा हो जाता है ना, साइज़ क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है ड्राई फ्रूट्स का। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो वाटर में आपने डाल दिया तो जो वाटर है ना वो ड्राई फ्रूट्स के अंदर चला जाता है, ओके। तो ये जो प्रोसेस है ये ऑस्मोसिस प्रोसेस ही है, ऑस्मोसिस के वजह से ही ऐसा होता है। तो आपने क्या सीखा कि जो एक सब्सटेंसेस है वो दूसरा सब्सटेंसेस के अंदर चला जा रहा है, ओके, ये प्रोसेस कहलाता है ऑस्मोसिस। तो आपने ऑस्मोसिस को किस शब्दों में समझ लिया, ड्राई फ्रूट्स के शब्दों में समझ लिया। तो यहाँ पे देखिए, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, तो बस यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ईजी है और वो दो ही प्रोसेस से पूरा हो जाता है, एक डिफ्यूजन और दूसरा ऑस्मोसिस, ओके। चलिए अब आगे हम बात करेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आप बताइए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लोग किसको कहते हैं, वैसा ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी वेल डेवलप्ड हो, जैसे आप ले सकते हैं ह्यूमंस, ओके, ह्यूमंस देखिए इसका पूरा शरीर डेवलप होता है, सारे पार्ट्स पाए जाते हैं। उसी तरह से आप एनिमल्स को भी ले सकते हैं ना, उसमें भी सारे पार्ट्स पाए जाते हैं, बॉडी पार्ट्स पाए जाते हैं। तो ये कहलाते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ना सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ये हम ध्यान देंगे। कहता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस है उसमें से ना बॉडी के अलग अलग पार्ट अलग अलग फंक्शन कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो देखिए हम लोग ना अभी अपना ब्रीदिंग सिस्टम है उसमें हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, हम लोग जानते हैं कि एयर को इनहेल किए, एयर को एक्सहेल किए। अब वो एयर जो है ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में पहुँचाया जाता है, ओके, उसमें आप देख सकते हैं कि अपना क्या कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व्ड है, लंग्स इन्वॉल्व्ड है ना, नोज इन्वॉल्व है, ब्लड इन्वॉल्व है, साथ ही साथ हार्ट भी इन्वॉल्व है, ओके। तो बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं जो परफॉर्म करते हैं अलग अलग फंक्शंस को, किस चीज़ के लिए, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, किसमें, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, ओके। चलिए आगे बात करते हैं, कहता है हाउ एवर दे स्टे कनेक्टेड सो दैट ईच पार्ट रिसीव्स इट्स रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस व्हाइल द अनवांटेड मटेरियल्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। देखिए वो जितने भी पार्ट्स हैं बॉडी पार्ट्स, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ओके, और जो रिसीव करना होता है वो रिसीव करते हैं। रिसीव करना मतलब प्राप्त कर लेना। वहीं पे रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस कुछ ऐसे, जो रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस उसको रिसीव करते हैं, और जो अनवांटेड मटेरियल्स हैं, अनवांटेड मटेरियल्स मतलब जिसका बॉडी में कोई काम नहीं है, उसको बॉडी से बाहर करना है, तो उसको क्या किया जाता है ना, एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। एलिमिनेटेड मतलब हो गया बॉडी से बाहर निकाल देना, ठीक है। नाउ देखिए यहाँ पे कहता है सिंपल प्रोसेसेस लाइक डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अभी आपने क्या देखा, ये डिफ्यूजन और ये ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है ना वो कहाँ पे हेल्प करता है, तो यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस से। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस से ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता है, ओके, दे आर नॉट सफिशियंट हियर फॉर ट्रांसपोर्टेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन के लिए डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस काफ़ी नहीं है, यानी इसके हेल्प से नहीं हो सकता है, ओके, क्यों, ए लॉट ऑफ टाइम वुड बी नीडेड इन सच ए केस। चूँकि अगर इस प्रोसेस से होगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो अभी हम लोगों ने क्या देख लिया कि दो तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, एक यूनी सेलुलर और दूसरा मल्टी सेलुलर। तो यूनी सेलुलर में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें दो ही प्रोसेस है, एक डिफ्यूजन और एक ऑस्मोसिस। वहीं पे मल्टी सेलुलर में ये दोनों ही जो ऑस्मोसिस है या डिफ्यूजन, इसके हेल्प से ट्रांसपोर्टेशन पूरा कम्प्लीटली नहीं हो सकता है, क्यों, इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। चलिए अभी हम बात करेंगे आगे, यहाँ पर हमारे पास है इन प्लांट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल आर टेकन अप बाय रूट्स
एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। देखिए क्या कहता है कि अगर हम प्लांट की बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, तो प्लांट में वाटर और मिनरल्स है ना, ये सॉयल से अब्जॉर्ब किए जाते हैं। किसके द्वारा? तो रूट्स के द्वारा, और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब फैला देना, कहाँ पे? तो पूरे प्लांट के पार्ट में फैला दिया जाता है। ठीक है, उसी तरह से दूसरी और बात कीजिए यहाँ पे फूड आइटम की। सिमिलरली फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स, लीव्स में यानी पत्तियों में जो फूड आइटम तैयार होता है वो भी फैला दिया जाता है पूरे पार्ट्स में, है ना, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो यहाँ पे ना अभी हम बात करेंगे पहले प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ओके, तो आइए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की। यहाँ देखिए कहता है इन प्लांट्स इट इज फूड वाटर एंड मिनरल्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन दैट गेट ट्रांसपोर्टेड। देखिए आप ध्यान दीजिए कि प्लांट में कौन कौन से सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो फूड का, वाटर का, मिनरल्स का, कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का, ये सारे सब्सटेंसेस हैं जिसका ट्रांसपोर्टेशन होता है कहाँ पे? प्लांट्स में, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। ओके, द बेसिक डिटेल्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दिस सब्सटेंसेस हैव बीन समराइज्ड इन द टेबल गिवन बिलो। अब उसमें से कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, बेसिक डिटेल्स क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पे टेबल में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम टेबल के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ जो टेबल है इसको हम देख लेते हैं अच्छे से। ओके, ये सारे सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होना होता है प्लांट्स में। तो देखिए फूड कहाँ प्रिपेयर होता है, तो प्रिपेयर्ड बाय लीव्स। ओके, और इसको कहाँ पे सेंड किया जाता है, तो अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के अदर पार्ट्स में इसको सेंड कर दिया जाता है। उसी तरह से हम बात करते हैं वाटर एंड मिनरल्स की, तो वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से एब्जॉर्ब किया जाता है, तो रूट से एब्जॉर्ब करते हैं, सॉयल से हम लोग जानते हैं, और फिर इसको अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में भेज दिया जाता है। ओके, अभी बिल्कुल सिंपल। इसी तरह से अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ज़रूरी है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, तो इसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, तो एब्जॉर्ब बाय लीव्स, है ना, लीव्स एब्जॉर्ब करते हैं, और क्यों, तो फोटोसिंथेसिस के लिए एब्जॉर्ब करते हैं। कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, तो एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं। उसी तरह से ऑक्सीजन की बात करेंगे, तो ऑक्सीजन का भी सेम हो गया, है ना, एटमॉस्फेयर से ऑब्जॉर्ब किया जाएगा, और कौन एब्जॉर्ब करेगा, ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट फॉर रेस्पिरेशन। तो अभी रेस्पिरेशन क्या होता है ना, इसके बारे में हम लोग चैप्टर 7 में पढ़ चुके हैं, उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो फूड आइटम प्रिपेयर्ड हुआ है उस फूड आइटम का यूटिलाइज होना, है ना, यूटिलाइज होना मतलब उपयोग कर लिया जाना, किसके लिए, तो एनर्जी प्राप्त करने के लिए। ओके, तो एनर्जी प्राप्त करने के लिए जब फूड आइटम का इस्तेमाल किया जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन। सिंपल वे में मैंने आपको समझाया है, डिटेल में मैंने पिछले चैप्टर में आपको बता दिया है। ओके, तो ये हमने देख लिया टेबल। अब चलिए हमारे पास यहाँ पे है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, तो ये जो वाटर है और मिनरल है इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा इसके बारे में बात करेंगे। देखिए कहता है प्लांट्स ऑब्टेन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, सॉइल से ना प्राप्त करते हैं। ऑब्टेन करना मतलब प्राप्त करना, ग्रहण कर लेना, है ना, तो कहाँ से लेते हैं, तो वाटर और मिनरल से लेते हैं। दिस इज यूजली डन थ्रू द रूट्स, ये हो कैसे रहा होता है, तो रूट्स के हेल्प से हो रहा होता है, यानी रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं किसको, वाटर एंड मिनरल्स को। रूट्स आल्सो हैव रूट हेयर्स, मतलब रूट्स जो होते हैं ना उसमें पतले पतले छोटे छोटे रूट्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं रूट हेयर। ओके, दैट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब देखिए यहाँ पे जो रूट हेयर है इसका क्या काम हुआ, रूट हेयर के होने से उसको इंक्रीज कर दिया जाता है, क्या, सरफेस एरिया, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर सके, इसलिए रूट्स हेयर होते हैं। अभी आप ना फाइबरस रूट के बारे में जानते होंगे, ये देखिए इस तरह का होता है कुछ, है ना, तो ये जो पतले पतले से रूट्स होते हैं ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को तो हम लोग कहते हैं ना रूट हेयर। ओके, और ये क्या करता है, वाटर और मिनरल्स की जो एब्जॉर्ब कैपेसिटी है उसको बढ़ा देता है, ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब कर पाए। ओके, ये देख लिए, द एब्जॉर्ब्ड वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड। देखिए जो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब हो गया उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय द नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड जाइलम।
तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया कि ये जो जाइलम है ना, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो जाइलम है यही ट्रांसपोर्ट करता है किसको, वाटर एंड मिनरल्स को। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन जाता है कि ये जो जाइलम है ये क्या काम करता है, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा होता है। यू मे कंपेयर दिस टू द नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस दैट ब्रिंग्स वाटर टू योर हाउस फ्रॉम द वाटर प्योरीफाइंग यूनिट्स। ओके, अभी ना यहाँ पे कंपेयर हम कर सकते हैं किसका, ये जाइलम का जो नेटवर्क बना होता है उसको किसके साथ, तो पाइपलाइंस का। आप देखते हैं ना, आपके घर में पानी आ जाता है पाइप से, सप्लाई वाटर, वो कैसे आता है, वो पाइपलाइन का अपना एक नेटवर्क फैला हुआ है। और वो नेटवर्क जो फैला हुआ है वो जहाँ पे वाटर प्योरीफाइंग यूनिट है, जहाँ पे वाटर प्योरीफाई होता है ना, उससे वो कनेक्टेड होते हैं और डोर टू डोर पहुँचा दिया जाता है वाटर को। सेम चीज़ आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो जाइलम नेटवर्क है ये फैला हुआ है पूरे प्लांट में, ओके, और रूट से ये जुड़ा हुआ है। तो रूट में जो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब होता है वो प्लांट के अलग अलग पार्ट में पहुँचा दिया जाता है। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है, देयर इज अ सेपरेट नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स दैट ट्रांसपोर्ट्स फूड फॉर लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दिस नेटवर्क इज कॉल्ड फ्लोएम। देखिए ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, फ्लोएम क्या काम करेगा ना, जो ये फ्लोएम आप देख रहे हैं ये आपका फूड आइटम का ट्रांसपोर्ट करता है। किसको ट्रांसपोर्ट करता है, फूड आइटम का, फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, लीव्स से प्लांट्स के अलग अलग पार्ट में पहुंचाने का काम करता है फूड आइटम को, कौन, तो फ्लोएम। तो यहाँ पे हम लोग दोनों को लर्न करेंगे, एक हो गया जाइलम और दूसरा हो गया फ्लोएम। तो अभी देखिए जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट करता है, तो वाटर एंड मिनरल्स का, और फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करता है, तो फूड आइटम का। ओके, ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ बनेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं और देखिए यहाँ पे कहा गया है, जाइलम एंड फ्लोएम दस मेक अप द कनेक्टिंग टिश्यूज ऑफ द प्लांट। तो देखिए यहाँ पे नया वर्ड आ गया, कनेक्टिंग टिश्यू। आपसे पूछेगा कि बताइए कनेक्टिंग टिश्यू हम किसको कहते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर करना है जाइलम एंड फ्लोएम, दे आर आल्सो कॉल्ड वैस्कुलर टिश्यूज। इसको हम ना वैस्कुलर टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, है ना, एज दे आर प्रजेंट इन स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड वैस्कुलर बंडल्स। ओके, चूँकि ये वैस्कुलर बंडल्स के रूप में होते हैं, है ना, कहाँ होते हैं प्रजेंट, वैस्कुलर बंडल्स में, इसलिए इसको हम लोग वैस्कुलर टिश्यू भी नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे हमको एक फ्लो चार्ट दिखाया गया है, आप देखिए ये है कनेक्टिंग टिश्यू ऑफ प्लांट। इसमें दो तरह के आ गए, पहला आ गया जाइलम, दूसरा आ गया फ्लोएम। एकदम स्पष्ट कर दिया है जाइलम का क्या काम है, तो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करना, और फ्लोएम का क्या काम है, तो फूड आइटम का ट्रांसपोर्ट करना। ये आपको लर्न करना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग को पिक्चर भी दिखाया, आप देख सकते हैं, ओके, यहाँ पे जाइलम को दिखाया गया और फ्लोएम को दिखाया गया। तो इस पिक्चर को आप ड्रॉ करेंगे, इससे आपका नॉलेज बढ़ जाएगा। आइए हम एक्टिविटी वन की बात करते हैं, इसके बाद आज के वीडियो में बस इतना ही करेंगे। तो एक्टिविटी वन हम लोग देख लेते हैं। तो ये एक्टिविटी बिल्कुल ही इजी है, आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या दिखाना है एक्टिविटी में, कहता है टू शो दैट वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ अ प्लांट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द स्टेम टू लीव्स एंड फ्लावर्स थ्रू द जाइलम। ओके, देखिए जाइलम के थ्रू ना ये जो वाटर और मिनरल्स है एब्जॉर्ब होता है, वो पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, इसको दिखाना है। तो इसके अलावा हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए, यू विल नीड, आपको चाहिए अ वाइट फ्लावर ऑफ बालसम, ओके, एंड कार्नेशन और रोज। तो सबसे अच्छा है कि रोज आपको मिल जाएगा, है ना, वाइट कलर का, आप उसको ले लेंगे। करना क्या है, टू बीकर्स लेने हम लोग को, एक में रेड और दूसरे में ब्लू इंक डालने हैं। ओके, अभी एक शार्प ब्लेड लेना है, शार्प ब्लेड लेना है, और ये जो आप देख रहे हैं स्टेम, किसका स्टेम है, ये अपना रोज का स्टेम है, इसको हमको स्प्लिट कर देना है, स्प्लिट कर देना है, बीच से कट कर देना है ना, इस तरह से कट करना है बीचों बीच, ताकि टू पार्ट में ये आ जाए। ओके, अभी क्या करेंगे, फिल द बीकर्स विथ वाटर, बीकर्स को वाटर से फिल करना है, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक इन वन बीकर एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लू इंक इन अनदर बीकर। अब देखेंगे क्या हम लोग, टेक अ फ्लावर विथ अ स्टेम दैट इज एट द एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग।
तो जो हम लोग फ्लावर लेंगे ना उसमें उसका स्टेम होना चाहिए, और स्टेम को हमको बीच से फाड़ देना है। फाड़ दिए, फाड़ने के बाद आप देख रहे हैं किस तरह से डाला गया है। एक पार्ट को हमको डालना है रेड कलर का जो वाटर है उसमें, और दूसरे में हमको डालना है ब्लू कलर वाला जो है उसमें डालना है। ओके, क्या हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या दिया है, डीप वन हाफ ऑफ द आउटर स्टेम इन वन बीकर एंड द अदर हाफ इन द सेकेंड बीकर। यू मे प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट टू द फ्लावर बाय पुटिंग एट द सेटअप अगेंस्ट अ वॉल। ओके, तो आप इसको किसी तरह से स्टैंड कर दीजिए वॉल के हेल्प से, या कुछ और ले लीजिए। कीप द सेटअप अनडिस्टर्ब फॉर 2 to 3 hours। यू विल ऑब्जर्व दैट द हाफ द फ्लावर हैज टर्न रेड वाइल द अदर हाफ हैज टर्न ब्लू। ओके, आप क्या देखेंगे कि जो फ्लावर है ना इसमें से कुछ कुछ आपका रेड पार्ट हो गया है, कुछ कुछ आपका ब्लू पार्ट हो गया है। ऐसा क्यों हुआ है? तो ये शो करता है कि जाइलम टिश्यू जो है ना वो ट्रांसपोर्ट करता है किसको, वाटर और मिनरल्स को। ओके, दिस शोज दैट द कलर्ड वाटर मस्ट हैव मूव्ड अपवर्ड। ओके, अपवर्ड मूव किया है तभी तो कलर हो गया फ्लावर। थ्रू द स्टेम टू द पीटल्स ऑफ द फ्लावर, रेड एंड ब्लू लाइन्स इन द स्टेम इंडिकेट द पाथ फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द स्टेम, दैट इज द जाइलम ट्यूब्स। ओके, तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है इस एक्टिविटी से कि जो जाइलम है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अभी नेक्स्ट वीडियो लेसन में ना हम लोग देखेंगे ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। ओके, सो आई होप दिस वीडियो लेसन इज हेल्पफुल फॉर यू। सो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ अदर्स एंड डू सम कमेंट्स। आल्सो डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे अहेड।